देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं आमजन के साथ साथ महंगाई की मार झेल रहे किसानों के सब्र का बांध भी अब टूट गया है। आज बुलंदशहर में दर्जनों किसानों ने खुर्जा तहसील पहुंचकर बढ़ती महंगाई के चलते सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज जनपद की खुर्जा तहसील समेत प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ ज्ञापन देकर ये आंदोलन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के युवा जिलाध्यक्ष ने बताया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आंदोलन शुरू किया गया है। सरकार किसानों का शोषण कर रही है। अभी समय यहाँ पे किसान आए हुए हैं तहसील में, क्या पूरा मामला है? मामला ये है, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। पूरे भारतवर्ष की प्रत्येक तहसील पे आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं और किसान का जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और जो बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, इन पर जो महंगाई बढ़ाई है ज़बरदस्त तरीके से, उसके विरोध में आज हम यहाँ तहसील पाए हैं। मांग हमारी ये है कि भाई जो हमारा पेट्रोल है, डीजल है, जो किसान संबंधित उपकरण हैं, भाव है, जो मक्के का भाव है जो 700-800 रुपये क्विंटल बेची जा रही है और 1850 का सरकारी रेट निकला है, मतलब कुल मिला के पूरी तरह से किसान का शोषण हो रहा है, इसके विरोध में आज हम आए हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन की मांग है कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाए और किसानों की फसल के दाम में बढ़ोतरी के बारे में भी सोचे। एक्चुअली आज जो किसान थे, ये इनका राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन था पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम को लेके। उसी के संबंध में इन्होंने ज्ञापन वगैरह दिया है और वो ज्ञापन ले लिया गया है। अब जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेज दिया जाएगा शासन को। और रही बात इनकी और कुछ समस्याएं थी, उसको इन्होंने उठाया है, जिसको संबंधित विभाग से उसको दिखवाया जा रहा है क्या है मामला, और देख के जो भी उसका उचित समाधान होगा उसको किया जाएगा। अगर लगाए गए आरोप सही पाए गए तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही होगी। वहीं खुर्जा प्रशासन ने किसानों का ज्ञापन स्वीकार कर शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है और बताया कि जो भी किसानों की शिकायत या समस्या है उसका निस्तारण भी संबंधित विभाग द्वारा कराया जाएगा। हमारी खबर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।